हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका और हमारे यूट्यूब चैनल SHD मोटर्स पर। और आज आपके सामने आ गई है हुंडई एक्स्टर। एक्स्टर का ये कौन सा वेरिएंट होने वाला है, तो ये देख लो भाई। सबसे पहले आपके सामने हुंडई एक्स्टर का CNG वेरिएंट। CNG का ये SX वेरिएंट है। चलते हैं इसके फ्रंट की तरफ। तो रियर से इसीलिए स्टार्ट करी क्योंकि CNG वेरिएंट था। तो फ्रंट से अगर बात करते हैं तो सबसे पहले देखो ये कुछ इस तरीके का लुक आने वाला है SX CNG वेरिएंट एक्स्टर का। कलर की अगर बात करते हैं तो क्लीन वाइट कलर आपके सामने है। अभी हाल ही में लॉन्च हुई थी 2023 में एक्स्टर हुंडई, जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है, बहुत ही ज़्यादा कंपीटिट करेगी टाटा पंच को। वहीं अगर बात करते हैं कैटेगरी की तो मिनी SUV, हुंडई के पास कोई भी मिनी SUV नहीं थी, उसी को देखते हुए हुंडई ने ये गाड़ी लॉन्च करी है। और वहीं आ जाते हैं इसके एक बार हेडलैम्प और DRL को ना जला देते हैं, उसके बाद दिखाऊंगा। SX जो CNG वेरिएंट है सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट होने वाला है, क्योंकि भाई इसमें ज़रूरत के सारे फीचर हैं। अभी सब एक एक चीज़ बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो आ जाते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल पे। तो ये कुछ इस तरीके का फ्रंट प्रोफाइल होने वाला है। ये देख रहे हो DRLs अभी जो है ब्लिंकिंग कर रहे हैं, वो आपको पता ही है, मैंने पहले ही बता रखा है। जो कैमरे की फ्रीक्वेंसी और लाइट की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती ना, तब ये ब्लिंकिंग करते हैं। तो ओवरऑल आ जाते हैं फ्रंट प्रोफाइल पे। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले DRLs की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके एस शेप में DRLs देखने को मिल जाते हैं, जो कि सबसे डिफरेंट है भाई, किसी भी गाड़ी में आपको देखने को नहीं मिलता है ऐसा डिज़ाइन। वहीं अंदर आपको देखने को मिल जाता है हेलोजन इंडिकेटर होने वाला है। नीचे की अगर बात करते हैं तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाता है येलो लाइट के साथ। सराउंडिंग में क्रोम का काम अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाता है अंदर भी। वहीं अगर बात करते हैं इधर की, तो इधर आपको देखने को मिल जाती है बीच में एक्स्टर की बैजिंग, बीच में हुंडई का लोगो देखने को मिल जाएगा। ये कुछ इस तरीके का मैट फिनिश आपको देखने को मिल जाता है, जो कि दोनों ही DRLs को कनेक्ट कर देती है ये बीच की पट्टी। और वहीं अगर नीचे की बात करते हैं तो नीचे जो ग्रिल होने वाली है आपको देखने को मिलता है ये कुछ इस तरीके का पैरामेट्रिक डिजाइन, जो कि ये ग्रिल भी कनेक्ट कर देती है हमारे हेडलैम्प को, दोनों यूनिट को, जो कि लिटरली अच्छा लगता है भाई देखने में सामने से। वहीं अगर बात करते हैं इसके स्किड प्लेट की, सिल्वर साटन फिनिश के साथ आपको स्किड प्लेट देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हो छोटे छोटे काम, ये स्क्रू टाइप के बना रखे हैं लेकिन पूरा ही प्लास्टिक का काम है। वहीं अगर बात करते हैं तो कुछ इस तरह का रेडिएटर के लिए ग्रिल देखने को मिल जाती है, यहाँ पर भी भाई स्पेस देखने को मिल जाता है अंदर रेडिएटर के लिए। वहीं अगर बात करते हैं इसके विड्थ की, तो विड्थ आपको देखने को मिल जाती है 1710 mm। वहीं अगर ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करते हैं तो 185 mm का आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलने वाला है। तो ये तो ओवरऑल हो गई फ्रंट प्रोफाइल की बात। वहीं अगर हाइट की अगर बात करते हैं तो 1635 mm आपको इसकी हाइट देखने को मिल जाती है। चलते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ, तो साइड में आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले देखो भाई ये कुछ इस तरीके का लुक आने वाला है। बॉक्सी टाइप डिज़ाइन है, जो कि अच्छा लगता है देखने में भाई, इतना डल नहीं है भाई, पंच को अच्छा खासा कंपटीट करने वाली है भाई। ये जो SX CNG वेरिएंट है ना, सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी, सबसे ज़्यादा एवरेज भाई, आपकी जेब को भारी नहीं करेगी ये गाड़ी, क्योंकि CNG वेरिएंट का आपको पता है कि माइलेज कितना अच्छा खासा निकल कर आता है, तो बताऊंगा वो भी। तो सबसे पहले अगर करते हैं लेंथ की बात, तो 3815 3815 mm आपको इसकी लेंथ देखने को मिल जाएगी, 2450 mm आपको इसका व्हील बेस देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर बात करते हैं क्रीचेस की, तो क्रीचेस देखो भाई यहाँ से हेडलैम्प से लेकर यहाँ तक आपको देखने को मिल जाती है, फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होती है पूरे लास्ट तक आपको टेल लाइट तक देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल ये तो होगी लेंथ और व्हील बेस के बारे में बात। ORVM की अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि होने वाले हैं कुछ इस तरीके के। बॉडी कलर ड्यूल टोन में आपको देखने को मिल जाते हैं, LED इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाता है ORVM पे, A पिलर ब्लैक्ड आउट, B पिलर ब्लैक्ड आउट देखने को मिल जाता है, और C पिलर कुछ इस तरीके का डिज़ाइन के साथ आपको देखने को मिल जाता है, जो कि दोनों कॉम्बिनेशन है। वहीं अगर बात करते हैं टायर प्रोफाइल की, तो होने वाला है JK की तरफ से प्रोफाइल आएगी आपको, कहाँ गई भाई, 175/65 और 15 inch का आपको स्टील रिम देखने को मिलेगा। लगता तो ऐसा है जैसे अलॉय व्हील्स हैं, लेकिन भाई कंपनी ने अच्छा खेल खेल रखा है। यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाते हैं कवर, व्हील कैप इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट में डिस्क और रियर की बात करते हैं तो रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम होने वाला है इस वेरियंट में, क्या बात है। क्लाइडिंग की अगर बात करते हैं तो कुछ इस तरीके की क्लाइडिंग भाई सूट करती है इस गाड़ी को भाई, जैसा डिज़ाइन बना रखा है ना बॉक्सी टाइप, उसी टाइप की इसमें क्लाइडिंग भी दे रखी है। डोर्स में कुछ इस तरीके का आपको ये पैटर्न देखने को मिल जाएगा पूरा ही मैटे फिनिश के साथ। ओवरऑल ये तो होगी साइड प्रोफाइल। वहीं की अगर बात करते हैं ऊपर रूफ रेल्स की, तो ब्लैक पियानो फिनिश के साथ आपको रूफ रेल्स भी देखने को मिल जाती है। ऊपर की बात करते हैं सनरूफ आपको देखने को मिल जाती है। दो यूनिट आपको वाइपर देखने को मिल जाती है फ्रंट में, जो मैंने बताई नहीं थी। तो चलते हैं इसके और क्या रहेगा भाई। ओवरऑल
हाँ डोर हैंडल्स की अगर बात करते हैं तो कुछ इस तरीके का डोर हैंडल बॉडी कलर आपको देखने मिल जाते हैं। कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर आपको देखने को नहीं मिलता है। रिक्वेस्ट सेंसर जो है आपको इसके ऊपर का जो वेरिएंट है एसएक्स ऑप्शनल उसमें देखने को मिलता है। चलते हैं इसके रियर प्रोफाइल की तरफ, तो रियर में क्या क्या आपको देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल ये आ गई इसकी रियर प्रोफाइल। एस शेप में ही आपको ऑलवेज ऑन मोड में टेल लैम्प देखने को मिल जाएंगे। स्टॉप लैम्प की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है जो कि होने वाला है हैलोजन इंडिकेटर, हैलोजन है, रिवर्स पार्किंग लैम्प भी आपको हैलोजन देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरीके का जैसा फ्रंट में है वैसा ही पैरामेट्रिक डिजाइन आपको रियर में भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है हुंडई का लोगो, एक्स्टर की बैजिंग, एसएक्स की बैजिंग। करते हैं रिवर्स पार्किंग पॉइंट की बात, तो 1-2 पॉइंट आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाएंगे, 2 पॉइंट आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं। बंपर की अगर बात करते हैं बॉडी कलर्ड मैटी फिनिश के साथ और सिल्वर मैटी फिनिश के साथ, मतलब तीनों ही कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे भी कुछ इस तरह का डिजाइन देखने को मिल जाता है। ओवरऑल ये तो होगी यहाँ की बात। ऊपर से बात करते हैं तो ऊपर शार्क फिन एंटीना ब्लैक पियानो फिनिश के साथ कुछ इस तरह का। भाई इसमें जो स्पॉइलर है ना थोड़ा सा अलग है यार, क्या बात है। इसका जो ऊपर का वेरियंट है उसकी बात अलग है यार, उसमें जो स्पॉइलर है ना बहुत गजब लगता है भाई, उसका अलग ही स्पॉट इस है। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये कुछ इस तरह का हाई मोन स्टॉप लैम्प यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। सीएनजी की बैजिंग, वाइपर आपको देखने को नहीं मिलता है लेकिन डिफॉगर आपको देखने को जरूर मिल जाता है। यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाती है। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, मतलब 6 एयरबैग तो होने ही वाले हैं, बेस वेरियंट लो या टॉप एंड वेरियंट लो, उसके साथ साथ आपको देखने को मिल जाता है इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा, क्या बात है। चलो चलते हैं इधर की तरफ, तो इधर क्या क्या आपको देखने को मिल जाता है। कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम उधर की तरह है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा फ्यूल फिलर कैप, टैंक कैपेसिटी होने वाली है लगभग 37 की पेट्रोल में आपको कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी। और सीएनजी की बात करते हैं तो 60 लीटर की आपको कैपेसिटी देखने को मिलने वाली है। अभी इसके अंदर बूट भी बताऊंगा कि बूट में क्या क्या आपको देखने को मिल जाता है, कितना स्पेस होने वाला है। करते हैं इंटीरियर के बारे में बात, तो सबसे पहले कीस की अगर बात करते हैं तो कुछ इस तरह की कीस देखने को मिल जाती है रिमोट सेंट्रल लॉकिंग के साथ। एक कीस देखने को मिलेगी रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, फ्लिप कीज होने वाली हैं, क्या बात है। 3 बटन देखने को मिलते हैं, एक बार करते हैं ना लॉक अनलॉक, पॉप ऑन नहीं है यार इसके अंदर, क्या बात है ये बूट रिलीज करने के लिए। चलो सिंपल सी कीज होने वाली है, यहाँ कुछ इस तरीके आपको देखने को मिल जाती है दूसरी की सिंपल। वहीं अगर इसको रखते हैं एक बार यहाँ पर आ जाते हैं डोर ट्रिम पर, तो डोर ट्रिम पूरी ही ब्लैक्ड आउट देखने को मिल जाती है जैसे पहले थी, और टॉप एंड वेरिएंट में आपको ऐसा ही देखने को मिल जाता है। मेटल फिनिश के साथ आपको देखने को मिल जाता है डोर लीवर, यहीं पे आपको ग्रैब हैंडल, चारों पावर विंडो स्विच, ऑटो डाउन का फीचर देखने को मिल जाता है, ड्राइवर साइड विंडो लॉकर, डोर लॉकर, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड करने के लिए ओआरवीएम को यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। मैप पॉकेट, बटन होल्डर, स्पीकर ग्रिल, 1, 2, 3, 4 स्पीकर आपको देखने को मिल जाते हैं 4 डोर्स में, ट्विटर नहीं होने वाला है कोई भी। आ जाते हैं सीट्स पर, तो सीट्स की अगर बात करते हैं सबसे पहले, एक सेकंड, तो सीट्स कुछ इस तरीके की फैब्रिक होने वाली है, लेदरेट है, मतलब मिक्सअप आपको देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरीके की ये पाइपिंग देखने को मिल जाती है सिल्वर कलर की। वहीं अगर बात करते हैं हाई एडजस्टमेंट देखने को मिल जाता है। अंडर थाई सपोर्ट की अगर बात करते हैं तो भाइयों देखो 1, 2 कुछ इस तरीके का बहुत अच्छा सा कंफर्टेबल आपको सीट्स देखने को मिल जाती हैं। बूस्टर्स भी अच्छे खासे होने वाले हैं। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा की बैजिंग, फिक्स आपको फ्रंट का एड्रेस देखने को मिल जाते हैं। बैठते हैं गाड़ी के अंदर और क्या होने वाला है भाई इसके अंदर। सबसे पहले ना गाड़ी को करेंगे भाई हम स्टार्ट, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है यकीन मानना खड़ा होना भी भारी हो रहा है भाई। लो एक सेकेंड, भाई एसी को करते हैं एक बार ऑन, क्या यार बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, बहुत ही ज़्यादा। लो भाई थोड़ा फैन बढ़ाते हैं, ओहो कतई यार बहुत ज़्यादा गर्मी है यार। मेरी हालत देखोगे ना तो आप कहोगे, देखो सामने देख लो हालत दिख नहीं रही होगी लेकिन बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं, जल्दी जल्दी वीडियो ख़त्म करते हैं, भाई बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो इसमें अगर सबसे पहले अगर बात करते हैं तो कुछ इस तरह का स्टीयरिंग देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको ग्लॉसी फिनिश देखने को मिल जाती है, रैपिंग हुई है अभी। वहीं कंट्रोल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल और टेलीफोनी के कंट्रोल आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको MIDU कंट्रोल करने के लिए स्विच, जो कि एक अच्छी बात है यार, वरना वहाँ की वहाँ पे दे देते हैं यार कॉस्ट कटिंग करने के लिए। चलो एडजस्टमेंट की अगर बात करते हैं तो टिल्ट एंड बस टिल्ट आपको एडजस्टमेंट देखने को मिलेगी। बीच में हॉर्न देखने को मिल जाता है सिंगल टॉन। वहीं अगर बात करते हैं हुंडई का लोगो देखने को मिल जाएगा, एयरबैग दो तो फ्रंट में होने वाले हैं। वहीं अगर बात करते हैं स्टॉक्स की तो मैनुअली आपको हेडलैम्प का स्टॉक देखने को मिलेगा और मैनुअली आपको देखने को मिलेंगे वाइपर का स्टॉक। आ जाते हैं इधर की तरफ, तो इधर आपको क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, क्या कर रही है AC चल ही नहीं रहा है भाई। चलो तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाते हैं कुछ इस तरीके ये AC विंड सराउंडिंग में ब्लैक पियानो फिनिश और सिल्वर फिनिश का आपको काम देखने को मिल जाता है। नीचे की अगर बात करते हैं हेडलैम्प लेवलर, ये स्विच करने के लिए CNG टू पेट्रोल, यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, ABC पैडल आपको देखने को मिल जाएगा। आ जाते हैं इधर, तो सबसे पहले करते हैं इसमें क्लस्टर की बात। भाई AC काम क्यों नहीं कर रहा यार, क्या मसला है। अच्छा ऑन नहीं है, अब हुआ ऑन, अब आएगी ठंडी ठंडी हवा।
मैं कह रहा यार इतनी गर्मी हो रही है फिर भी एसी काम नहीं कर रही। आ जाते हैं क्लस्टर पे, तो क्लस्टर आपको देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके का, जो कि आपको ग्रैंड आई 10 में, नियोस में, दोनों गाड़ियों में क्लस्टर देखने को मिलता है, उसी तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर, टैकोमीटर आप देख रहे हो क्योंकि गाड़ी स्टार्ट है, कुछ इस तरीके का एल्यूमिनेशन देखने को मिल जाता है जो कि कलर्ड होने वाला है कुछ इस तरीके का ग्रीन टाइप का। वहीं अगर बात करते हैं तो फ्यूल गेज इधर आपको सीएनजी गेज देखने को मिल जाता है, टेम्परेचर आपको देखने को मिल जाएगा, किलोमीटर रेंज छोटी सी एमआईडी है, इसको अगर कंट्रोल करना है तो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। देखो क्या बात है, टीपीएमएस भी आपको देखने को मिल जाता है, सारे इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं, टिकटॉक करते हैं एक बार बंद। तो ओवरऑल ये तो होगी क्लस्टर की बात। ऊपर कुछ इस तरीके का ये पूरा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं बेजल्स, जो कि ब्लैक पियानो फिनिश के साथ होने वाले हैं यहाँ के भी। वहीं अगर बात करते हैं ऊपर डैशबोर्ड पूरा हार्ड प्लास्टिक होने वाला है। यहाँ की अगर सबसे पहले बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं ये 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि होने वाला है एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ। एक बार इसको बंद करते हैं हेडलैम्प को, तो ये यार अब आई ना लाइट, मैं कह रहा कि इतना कम क्यों जल रहा, लाइट जो थी ना ऑन थी तो इसलिए इसकी ब्राइटनेस जो है ना कम हो जाती है ऑटोमेटिक। यहाँ पे 8 इंच का आपको म्यूजिक सिस्टम एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ मिल जाता है। वहीं अगर बात करते हैं ये कुछ इस तरीके कंट्रोल पूरा ही ब्लैक पियानो फिनिश का काम आपको देखने को मिल जाता है। एसी वेंट्स कुछ इस तरीके होने वाले हैं जो आपकी आपको मिलते हैं i20 में, टिकटॉक ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाता है। यहीं की अगर इसको बंद करो यार एफएम को, एक सेकंड म्यूट कहाँ से होगा, लो। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, नीचे की अगर बात करते हैं तो टाइप सी फास्ट चार्जिंग के साथ है, आपको चार्जर देखने को मिल जाएगा, 12 वोल्ट का एक सॉकेट है जो कि कैपेसिटी होने वाली है 120 वाट, यूएसबी सोर्स इनके लिए जो कि आप पेन ड्राइव वगैरह चलाओगे, एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले चलाओगे। यहाँ पे कुछ इस तरह का कॉइन वगैरह रखने के लिए, भाई बहुत सी चीजें रखते हैं यहाँ लोग, सब अलग अलग पर्स कॉइन्स चाबियां वगैरह सब यहीं पे पड़ी रहती हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ इस तरह का ग्लॉसी फिनिश आपको देखने को मिल जाती है सिल्वर। गियर नॉब की अगर बात करते हैं तो कुछ इस तरह गियर नॉब है, क्रोम फिनिश का काम आपको देखने को मिल जाता है, लेदरेट तो नहीं है लेकिन सॉफ्ट टच आपको फील करा देगी। उसके साथ साथ कप होल्डर है, बोतल होल्डर है, यहाँ पे आपको कॉइन वगैरह रखने के लिए। कुछ इस तरह का हैंड ब्रेक होने वाला है जो कि होने वाला है ब्लैक पियानो फिनिश के साथ। पीछे और कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता है, पीछे के बारे में बाद में बात करेंगे। टिकट होल्डर यहाँ की बात करते हैं तो कैबिन लैंप हैलोजन आपको देखने को मिल जाएंगे, ये कंट्रोल्स होने वाले हैं, ये आपको देखने को मिल जाता है माइक, और ये जो होने वाला है अपना सनरूफ का। क्या बात है भाई, गर्मी इतनी हो रही है, सूरज बिल्कुल सर के ऊपर ही बैठा है यार, दुश्मन बना हुआ। चलो यहाँ की अगर बात करते हैं तो वैनिटी मिरर आपको देखने को मिल जाता है, मैनुअली आपको देखने को मिल जाता है IRVM जो कि डे नाइट होने वाला है। यहाँ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको नॉर्मल ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है, कुछ इस तरह का डिजाइन होने वाला है ओवरऑल कंप्लीट। चलते हैं फटाफट इसके रियर की तरफ, तो रियर में क्या क्या आपको देखने को मिल जाता है, रियर सीट में कैसी सीटिंग पोजीशन होने वाली है, क्या क्या आपको और देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं डोर ट्रिम की, तो कुछ इस तरह की डोर ट्रिम है, पावर विंडो स्विच आपको देखने को मिल जाता है, मेटल फिनिश के साथ ही आपको देखने को मिल जाता है डोर लीवर, ग्रैब हैंडल, बॉटल होल्डर, स्पीकर ग्रिल, ये चीजें तो होगी। यहाँ की बात करते हैं सीट्स की, तो आपको सिर्फ हाँ लेदरेट भी आपको देखने को मिल जाती है, नीचे से फैब्रिक अपोस्टी होने वाली है। अगर बात करते हैं अंडर थाई सपोर्ट की, तो 1-2 अच्छा खासा अंडर थाई सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और हाँ ये क्या है, आइसोफिक्स भी है क्या इसमें, क्या बात है यार, ऐसी चीजें तो चाहिए। यहाँ पे आपको हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं, 2 एडजस्टेबल जो कि लेदरेट नहीं, साइड में लेदरेट और बीच में फैब्रिक अपोस्टी होने वाली, कुछ इस तरह का डिजाइन आपको देखने को मिल जाएगा। बैठते हैं गाड़ी के अंदर, क्या और देखने को मिलने वाला है भाई, अंदर से तो ठंडी हो रही है गाड़ी, क्या बात है यार। चलो तो अगर सबसे पहले सीट की बात करते हैं, कंफर्टेबल को लेके कोई इशू नहीं है, ना अंडर थाई सपोर्ट को लेके, ना नी रूम ना लेग रूम को लेकर, बिल्कुल कंफर्टेबली मैं बैठा हूँ। रियर एसी वेंट्स देखने को मिल जाते हैं, नीचे 12 वोल्ट का एक सॉकेट देखने को मिल जाता है। ओवरऑल यहाँ पे ग्रैब हैंडल हुक के साथ आपको देखने को मिल जाएगा, सेकेंडरी केबिन लैंप होने वाला है हैलोजन, यहाँ पे आपको हुक नहीं देखने को मिलेगा, क्या बात है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है मैप पॉकेट सीट के पीछे, और क्या रह गया भाई। चलो सीटिंग की अगर बात कर लेते हैं, तो मेरे जैसे 3 बंदे तो कंफर्टेबली बैठ जाएंगे, मोटे मोटे का तो मैं कह नहीं सकता भाई, मोटे मोटे 2 बंदे और एक छोटा बच्चा ही बैठ पाएगा यहाँ पर। तो इधर आपको देखने को मिल जाती है ये क्या है भाई, सीट बेल्ट ऐसी होती है क्या यार, क्या सिस्टम बना रखे हैं यार कंपनी ने, मतलब जो पहले यहाँ से यहाँ को दे देते थे ना, वो चीज़ अब छोड़ दिए, पूरा ही कवर कर रही है कंपनी भाई, सेफ्टी को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ओवरऑल ये तो हो गया इधर का माहौल, एक बार डैशबोर्ड देख लो, कुछ इस तरह का डैशबोर्ड होने वाला है। तो चलते हैं इसके बूट की तरफ, तो बूट के बारे में भी जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं, वीडियो करते हैं जल्दी से ख़त्म, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं इसमें ऑन की, तो ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको दिख रहा है सीएनजी सिलेंडर, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं पार्सल ट्रे आपको कंपनी फिटेड देखने को मिल जाती है, कुछ इस तरह का स्पेस होने वाला है। अगर इसके कैपेसिटी की बात करते हैं तो एक बार इसका फ्यूल फिलर कैप खोल लेते हैं, फिर वहीं पे आपको बता दूंगा इसकी सारी इन्फॉर्मेशन क्या आपको देखने को मिलने वाला है। गाड़ी भी मैंने बंद कर दी है। चलो भाई देखो, तो अगर फ्यूल फिलर कैप की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको पेट्रोल
यहाँ आपको सीएनजी दोनों चीज देखने को मिल जाती है। कैपेसिटी की बात करते हैं तो 60 लीटर की आपको कैपेसिटी देखने को मिलने वाली है। मोटा मोटा अगर आप मान के चलते हो इसमें 8.5-9 किलो आपकी सीएनजी आ जाएगी अच्छे प्रेशर के साथ। इसको करते हैं बंद, आ जाते हैं फिर से अपने बूट पर। तो बूट में अगर स्पेस की बात करते हैं, अगर ये सीएनजी सिलेंडर ना हो तो 390 लीटर की कैपेसिटी देखने को मिलती है, लेकिन इसके बाद आपको स्पेस में थोड़ा बहुत इश्यू तो होने वाला है। नीचे भी आप रख सकते हो सामान नीचे, मतलब छोटे मोटे बैग वगैरह या कुछ इस तरह का, बस थोड़ा बहुत ही सामान आने वाला है सिलेंडर के बाद। लेकिन काफी बड़ा सिलेंडर है यार, क्या बात है। यहाँ पे देखो सेफ्टी भी बहुत अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाती है, क्या बात है यार। सोलेनोइड वाल्व लगा हुआ है यहाँ पे सेफ्टी को लेकर, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो ऑटोमेटिक सिलेंडर से कनेक्शन कट जाएगा, क्या बात है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये उल्टा एक ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है। ओवरऑल चलो भाई चलते हैं इसके इंजन वे की तरफ। तो इंजन में क्या क्या आपको देखने को मिलने वाला है, सबसे पहले करते हैं बोनट को ओपन यहाँ से। चलो भाई आ गए ना। अगर बोनट की अगर बात करते हैं तो क्वालिटी की अगर बात करते हैं तो ठीक ठाक है, कोई भी डैम्पिंग आपको देखने को नहीं मिलती। इंजन की अगर बात करते हैं तो 1.2 कापा पेट्रोल सीएनजी वेरिएंट के लिए भी यही यूज़ कर रही है कंपनी। वहीं अगर बात करते हैं इसमें पावर की तो सीएनजी में आपको पावर देती है 65 बीएचपी की, और टॉर्क की बात करते हैं तो 95 एनएम का आपको इसमें टॉर्क देखने को मिल जाता है। वहीं अगर माइलेज की बात करते हैं तो माइलेज सीएनजी में आपको देगी लगभग 27.5 का, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। मतलब 1 kg गैस में 27 किलोमीटर आप चला लोगे। वहीं अगर पेट्रोल की बात करते हैं तो 19 का कंपनी माइलेज क्लेम करती है। तो ये तो होगी इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में बात। यहाँ पे अगर कोई भी सेफ्टी आपको देखने को नहीं मिलती है क्योंकि नीचे कोई भी सपोर्टिंग वगैरह नहीं है यार, इस चीज़ को तो कंपलसरी कर देना चाहिए, स्टैंडर्ड कर देना चाहिए यार। इंजन एक बहुत महंगी चीज़ है भाई, कोई भी दिक्कत अगर आती है इंजन में तो बहुत भारी पड़ जाती है कंज्यूमर को, जो भी भाई गाड़ी लेने वाला है या कोई भी गाड़ी चलाने वाला है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है कुछ इस तरीके ABS यूनिट वगैरह। तो अगर सेफ्टी को लेकर अगर बात करते हैं तो सेफ्टी में भी आपको नो डाउट काफ़ी अच्छे खासे फीचर देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि मैं बताऊं तो ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इंजन इमोबिलाइजर, हिल होल असिस्ट, हिल होल कंट्रोल, और उसके साथ साथ ESP इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, मतलब काफ़ी अच्छे खासे फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं। 6 एयरबैग तो स्टैंडर्ड होने ही वाले हैं, क्या बात है। तो ओवरऑल ये तो होगी एक्स्ट्रा का SX वेरिएंट, जो कि सीएनजी वेरिएंट था, कंप्लीट कर लिया हमने भाइयों, वीडियो तो कर लिए कंप्लीट। लेकिन उसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं इसके प्राइस के बारे में, भाई पैसे कितने देने हैं इसके लिए, तो भाई जो इसका एक्सशोरूम प्राइस है 8,96,990 रुपये, लगभग 8,97,000। ऑन रोड की अगर बात करतूं तो आपको पढ़ने वाली है उत्तराखंड देहरादून में DPM हुंडई के नाम से शोरूम है, आया हुआ था वहीं पर। तो ऑन रोड आपको देखने को मिलेगी ये 10,22,000 रुपये सीएनजी वेरिएंट। भाई फीचर की कोई कमी नहीं है, ज़रूरत के सारे फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।